बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि नया क्वेश्चन करते हैं, न्यू प्लेनेट है, चलो नया प्लेनेट डिस्कवर हुआ है, न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज द अर्थ, मतलब दोनों की अर्थ और अर्थ से कंपेयर करो, जो नया प्लेनेट डिस्कवर हुआ है उसका अर्थ से कंपेयर करने में सेम डेंसिटी पाएगा, बट इट 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज, बिगर देन अर्थ इन साइज। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, बिगर इन अर्थ मतलब रेडियस, ठीक है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यू प्लेनेट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, इन दोनों की डेंसिटी इक्वल है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी लो, तो उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू जी डैश है, तो जी डैश और जी में रिलेशन निकालना, किसी भी प्लेनेट पे इस यूनिवर्स में जी की वैल्यू इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट होती है, ठीक है, जी एम ओवर आर अंडर रूट होती है अर्थ के सरफेस पे। तो अब जी एम जी ओवर आर, इसका मतलब ये हुआ मास को डेंसिटी के टर्म में लिखें, क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म में बात कर रहा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, मतलब आर ने आर को आर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो है जी, इसका मतलब ये हुआ 4/3 जी एम आर स्क्वायर होता भाई, ये आर स्क्वायर होता, तो ये आर आ जाएगा, ठीक है, आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी इज प्रोपोर्शनल टू रो, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट है यार, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश अपान जी इज इक्वल टू 3 आर अपान आर, इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश इज इक्वल टू 3 जी, ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू 3 जी, दैट इज डी ऑप्शन सही है।